आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड है इस कंपनी का. इन द मंथ ऑफ जैन 2021 यानी कि लास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली कैनरा रोबे को म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी बाइंग आइशर मोटर्स इस स्टॉक में की है. तो क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं इस कंपनी के पीछे, क्यों वापस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग, जो अर्बन डिमांड है रॉयल एनफील्ड, ये जो इनका सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है जहाँ पे बुलेट के नाम से ये जाना जाता था, आई थिंक वहाँ पे अर्बन डिमांड वापस बढ़ती हुई नजर आ रही है. अगर टॉप 10 सिटीज के हम बात करेंगे तो जहाँ दिसंबर 2020 में जो डिमांड थी वो 18% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ रॉयल एनफील्ड वॉज फ्रॉम द टॉप 10 सिटीज. अब यही डिमांड अगर लास्ट ईयर के या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 के बारे में हम देखेंगे, सो दैट वॉज अराउंड 15%, यानी 3% से ये जो डिमांड है वो बढ़ चुके हैं फ्रॉम द टॉप 10 सिटीज. अगर मैं टॉप 20 सिटीज की बात करता हूं तो ये डिमांड 20% थी इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21, बट नाउ दिस डिमांड हैज ग्रोन टू 25%. यानी जो भी बाइक्स बेची जा रही है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड उसमें से 25% बाइक्स आर सोल्ड इन टॉप 20 सिटीज. तो इट मीन्स जो अर्बन डिमांड है इस बाइक की वो वापस बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है. एक नया इनिशिएटिव भी कंपनी ने लिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, मेक इट यूअर्स, MIY के नाम से ये जाना जा रहा है, जिसमें यू कैन बुक द रॉयल एनफील्ड बाइक ऑनलाइन. और इसमें बुक मतलब बुक कीजिए, बाद में जाके उसको आप कंप्लीट कर सकते हो ट्रांजैक्शन. तो इसका जो कन्वर्जन रेट है वो काफी हाई है, दो कंपनी ने अभी तक उसका कोई परसेंटेज डिक्लेयर नहीं किया, बट कंपनी सेइंग दैट दिस इनिशिएटिव हैज हेल्प्ड अ लॉट. स्पेसिफिकली अगर अर्बन एरियाज में हम बात करते तो काफी अच्छा कन्वर्जन रेट यहाँ पे ये मेक इट योर्स ये नए इनिशिएटिव में कंपनी को नजर आ रहा है. कंपनी ने अपना प्रेजेंस भी अक्रॉस इंडिया काफी अच्छी तरीके से बढ़ाया है एंड नाउ दे आर हैविंग प्रेजेंस क्लोज टू 1900 टच पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड. और मेजरली जो कंपनी का सक्सेस है वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही हो रहा है. दो कमर्शियल व्हीकल्स में वॉल्वो के साथ जो इनिशिएटिव लिया है उसमें भी लुकिंग एट दी रिसेंट पास्ट हमने देखा है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल्स हो, थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर ऑल दीज सेक्टर्स, लाइट कमर्शियल, हेवी कमर्शियल, मीडियम हेवी कमर्शियल. तो हर जगह पे काफी अच्छे तरीके से ये डिमांड आती हुई नजर आ रही है. नाउ डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में तो हमने बात कर ली, बट इवन अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं, सो दिसंबर 2020 ये जो क्वार्टर था ये काफी बढ़िया रहा आइशर मोटर्स के लिए, स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड के लिए. तो इनके जो एक्सपोर्ट है रॉयल एनफील्ड के इन दी क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2020 यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये तीन मंथ में 30% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा है एक्सपोर्ट मार्केट में. मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यहाँ पे एक्सपोर्ट किए, 30% ग्रोथ इज अ गुड नंबर. और ये सारे जो फैक्टर्स अगर हम देखेंगे सो डेफिनेटली इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, और थ्रू दैट आई थिंक अर्निंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे एंड दैट्स हाउ द स्टॉक कैन डू रियली वेल. सो फंडामेंटली एक काफ़ी स्ट्रांग स्टोरी है आइशर मोटर्स की. डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार. हो सकता है हमारे किसी मॉडल पोर्टफोलियो का भी ये पार्ट हो. तो इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू आर मॉडल पोर्टफोलियोज, विजिट investsadnya.in और वहाँ जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि कोई नया स्टॉक, नया सेक्टर, कोई नई कंसेप्ट आप चाहते हो जिस पे हम वीडियो बनाएं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.